कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का विस्तारीकरण किया जाएगा। ग्रामीण स्तर पर नई शाखाएं खोलने का भी विचार किया जा रहा है, जिससे किसानों को बैंकिंग की बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। बैंक खाली पड़े पदों को भरने सहित प्रदेश के आम लोगों तक पहुंच बनाने की दिशा में भी कार्य करेगा। कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास समिति के चेयरमैन कमल नयन शर्मा ने धर्मशाला में बैंक की 38वीं वार्षिक आम सभा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी। कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक समिति के चेयरमैन कमल नयन शर्मा ने धर्मशाला में बैंक की 38वीं वार्षिक आम सभा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जानकारी दी कि बैंक द्वारा किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष ऋण की किस्तों की अदायगी निर्धारित तिथि पर करने पर 1% छूट भी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि बैंक ने वर्ष 2017-18 में 2476 लाख रुपए तथा वर्ष 2018-19 में 2994 लाख के ऋण वितरित किए थे, जिससे किसानों, बागवानों व कामगारों को लाभ पहुंचा है। उन्होंने बताया कि बैंक में वर्तमान में शेष अग्रिम राशि 12,322 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है, जो कि बैंक की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि बैंक के माध्यम से भूमि सुधार, लघु सिंचाई, कृषि यंत्रीकरण, कृषि से संबंधित अन्य गतिविधियां, गैर कार्य क्षेत्र जैसे लघु वाहन, लघु तथा ग्रामीण कुटीर उद्योग, सेवा क्षेत्र तथा ग्रामीण आवासीय योजना के तहत भी ऋण वितरित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान महाप्रबंधक राज नारायण जमाल्टा ने कांगड़ा सहकारी प्राथमिक एवं कृषि ग्रामीण बैंक समिति की अर्जित लक्ष्यों के बारे में विस्तार से जानकारी भी प्रदान की। इससे पहले प्रबंध निदेशक जितेंद्र सांजटा ने प्रबंधन समिति का स्वागत करते हुए बैंक की गतिविधियों के बारे में सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई। इस मौके पर बैंक के उपाध्यक्ष राजेश ठाकुर, संचालक ओम प्रकाश कटोच, अरविंद चक्रवर्ती, जगमेर ठाकुर, रोशन लाल, मनोहर लाल, डॉक्टर रविदत्त, कुलविंदर सिंह सहित बैंक समिति के सदस्य मौजूद रहे। गत वर्ष की जो कार्य प्रणाली हमारी रही है, जो लेखा जोखा रहा है, उसे अपने सदस्यों के समक्ष रखा है और सदस्यों ने जो भी हमारा आगे का एजेंडा था उस एजेंडे के लिए स्वीकृति दी है। दो तीन विषय जो इस सभा में मुख्य रूप से रहे, एक तो हमारा बैंक जो है बाकी बैंकों की बनिस्बत, हालांकि पूरे देश भर में मंदी का दौर है, तब भी एनपीओ को कम करने के लिए हमारा जो स्टाफ है, जो कर्मचारी वर्ग है और जो सदस्य लोग हैं, सब ने प्रबंधन समिति के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दिया है। और हमने इन जो हमारा अभी का समय बीता है, इस कुछ समय के अंदर भी हमने एनपीओ को कम करने का भरपूर प्रयास किया है। दूसरे, हमारा जो लॉस है, अकोमोडेटिव लॉस था, वो लॉस भी पिछले वर्ष से कम हुआ है और बाकी जो पूरी डिटेल आएगी वो 31 मार्च के बाद इसका पता लगता है, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। शाखाएं बढ़ाने के लिए भी बैंक जो है वो तैयारी कर रहा है और इसके साथ साथ जो कर्मचारियों की कमी है, उन कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए भी बैंक जो है वो सक्रिय भूमिका निभा रहा है और आने वाले समय में इस बैंक की शाखाएं भी बढ़ेंगी और हम नए लोगों को नियुक्तियां भी देंगे। अभी जो बैंक की योजना चल रही है, हमारा ये मानना है जो सरकार किसान क्रेडिट कार्ड देती है, वो किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो हम भी अपने सदस्यों को मुहैया करवाएं और इसके साथ साथ जो बचत योजनाएं हैं उनमें भी इजाफा किया जाए। और हमने पहले कहा, हम जो लोन देते हैं उस लोन पे सस्ती दरों के ऊपर हम ऋण उपलब्ध करवाते हैं और साधारण ब्याज पे हम देते हैं। और जो लंबी अवधि की हमारी जो जमा योजनाएं हैं वो हम सब बैंकों से ज़्यादा देते हैं।